दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहते हैं कि अगर कोई इंसान मजबूत इरादे से किसी काम को करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बड़ी से बड़ी परेशानियां इंसान के जज्बे के आगे छोटी साबित होती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसे वक्त ने बुरी तरह तोड़ के रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज उस इंसान को दुनिया सलाम करती है। हम बात कर रहे हैं IAS रमेश घोलप की, जो आज उन युवाओं में एक प्रेरणा के स्रोत है जो सिविल सर्विस में भर्ती होना चाहते थे। रमेश को बचपन में बाएं पैर में पोलियो हो गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रमेश को अपनी माँ के साथ सड़कों पर चूड़ियाँ बेचना पड़ता था। लेकिन रमेश ने हर मुश्किल को मात दी और IAS अफसर बनकर दिखाया। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। यूं तो उनके परिवार में 4 लोग थे, लेकिन पिता की शराब पीने की आदत ने इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इधर ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो परिवार की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ पड़ी। माँ बेचारी सड़कों पर चूड़ियाँ बेचने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि रमेश को भी माँ और भाई के साथ चूड़ियाँ बेचना पड़ता था। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए रमेश को अपने चाचा के गांव बरसी जाना पड़ा। वर्ष 2005 में रमेश 12वीं कक्षा में थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। चाचा के गाँव से ही अपने घर जाने में बस से 7 रुपये लगते थे, लेकिन विकलांग होने की वजह से रमेश का केवल 2 रुपया किराया लगता था। लेकिन वक्त की मार तो देखो, रमेश के पास उस समय 2 रुपये भी नहीं थे। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह रमेश अपने घर पहुंचे। रमेश ने 12वीं में 88.5% मार्क्स से परीक्षा में पास हुए। इनके बाद इन्होंने शिक्षा में डिप्लोमा कर लिया और गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षक बन गए। डिप्लोमा करने के साथ ही रमेश ने BA की डिग्री भी ले ली। शिक्षक बनकर रमेश अपने परिवार का खर्च चला रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। रमेश ने 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी और मन से पढ़ाई करके UPSC की परीक्षा दी, लेकिन 2010 में उन्हें सफलता नहीं मिली। माँ ने गाँव वालों से कुछ पैसे उधार लिए और रमेश पुणे जाकर सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई करने लगे। रमेश ने अपने गाँव वालों से कसम ली थी कि जब तक वो एक बड़े अफसर नहीं बन जाते, तब तक गाँव वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आखिर 2012 में रमेश की मेहनत रंग लाई और रमेश ने UPSC की परीक्षा 287वीं रैंक हासिल की और इस तरह बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए रमेश IAS अफसर बन गया। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, अपने अभाव को ही अपना नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन कुछ रमेश जी जैसे लोग ऐसे भी हैं जो हालातों को अपना नसीब नहीं बनाते, बल्कि अपना नसीब खुद लिखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।